जनपद संभल की चंदौसी के बीएमसी इंटर कॉलेज में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष इंदु रानी को बीएमसी इंटर कॉलेज में अवैतनिक सचिव पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर पूर्व पालिका अध्यक्ष पंकज शर्मा को बीएमसी इंटर कॉलेज में अवैतनिक सचिव नामित कर दिया है। इसे लेकर पालिका अध्यक्ष और भाजपाइयों में आक्रोश है। इस विषय में कॉलेज प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष विष्णु शंकर अग्रवाल ने बताया कि ये नियुक्ति अनुचित है, जबकि इस विषय में जब इंदुरानी से पूछा गया तो उन्होंने बताया बायलॉज में लिखा है कि जो भी नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष होगा वही इस विद्यालय की प्रबंध कमेटी में अवैतनिक सचिव होगा, इसी आधार पर मुझे सचिव बनाया गया है। जबकि पंकज शर्मा वर्तमान में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नहीं है, इसलिए वह सचिव नहीं बन सकते। नगर पालिका बायलॉज द्वारा बीएमसी इंटर कॉलेज में सचिव पद पर नगर पालिका का ही कोई अधिकारी या कर्मचारी सचिव पद पर आ सकता है। इंदुरानी का कहना है कि इसके हिसाब से बीएमसी इंटर कॉलेज में सचिव के पद पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को चयनित किया जाना चाहिए। देवेंद्र कुमार, ये जो बीएमसी कॉलेज में जो अवैतनिक पद का जो समय मामला चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है, जी आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? चूंकि प्रबंध समिति का मैं सदस्य हूँ, बीएमजी इंटर कॉलेज का, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज का, संविधान में ये व्यवस्था है कि नगर पालिका द्वारा प्रदत्त ये जमीन है जिसमें नगर पालिका के चुनाव 4 सभासद और जो चेयरमैन होता है वो इसका सेक्रेटरी होता है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत चेयरमैन साहब और हम इसके सभासद सदस्य हैं प्रबंध समिति के, जो कि एक संवैधानिक रूप से बने हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य इसके, वो हमारे ऊपर ही हमारे व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। हमसे पूछते हैं आप कौन हैं, वो हमें किसी प्रकार से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा उनसे ये पोजिशन है आप किस व्यवस्था के अंदर अभी तक 40 साल से इस पद पर जमे हुए हैं, आपका कोई चुनाव होता होगा, आपकी कोई फीस जमा होती होगी, जो कि संविधान में लिखे हुए संस्था के उन्होंने कभी भी किसी प्रकार से वो न तो फीस जमा करी है और ना ही कुछ ऐसा कराया जिससे वो संवैधानिक रूप से बने हुए हैं, और वित्तीय अनियमितता हमारे द्वारा पकड़ी गई स्कूल की, जिससे कि वो ये चाह रहे हैं कि इनमें से कोई भी सदस्य नगर पालिका किसी भी प्रकार से प्रभाव न रहे और नगर पालिका का संबंध यहाँ से खत्म हो जाए, जो कि हमें किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। मेरा नाम संजय सैनी है। ये जो बीएमजी इंटर कॉलेज में जो मंत्री का अवैतनिक पद पे जो इस समय प्रकरण चल रहा है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसमें आप भी इसमें सदस्य हैं तो क्या? हाँ, उसमें मैं भी, यानी कि नगर पालिका चेयरमैन की ओर से नगर पालिका सदस्य मैं भी सदस्य हूँ ये भारतीय मिशनबल गर्ल्स इंटर कॉलेज में। और एक हमारे इसमें क्या होता है, इसमें एक नगर पालिका का जो चेयरमैन होता है वो सेक्रेटरी रहता है और उनके साथ 4 सदस्य जो मेंबर होते हैं वो 4 सदस्य साथ रहते हैं। मैं इस कारण उसमें मैनेजमेंट कमेटी में सदस्य भी हूँ। क्या बताएंगे पूरे प्रकरण? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, हमने जब हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी पहली, तो हमने उसने पूछा था क्या कहते हैं इसका मैनेजमेंट, इसका बायलॉज वगैरह दिखाई, उन्होंने कुछ भी कुछ नहीं दिखाया बिल्कुल भी। और उसमें आपकी कि मैनेजमेंट के अनुसार ये लिखा हुआ है कि जो भी इसमें यानी ट्रस्टी होगा और जो सदस्य होगा वो यानी 55,000 रुपये फीस जमा करेगा और ट्रस्टी जो सदस्य होगा वो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करेगा। हर तीन साल में चुनाव होगा। लेकिन आज तक 1 रुपया भी इसका कोई हिसाब नहीं है, ना आज तक 1 रुपया भी किसी शुल्क में जमा किया गया है, ना कोई इन्होंने ब्यौरा दिया ना कुछ बताया हमें। और नगर पालिका की बाहर दुकान है उसका भी हमने इनसे विवरण मांगा, उसका भी कोई विवरण इन्होंने नहीं बताया आज तक। और जबकि नगर पालिका की दुकानें सारी उठी हुई हैं और जितना भी पैसा है उसका कोई भी फंड का कहाँ है कहाँ गया कोई उसका पता नहीं है, और सब यानी उन्होंने क्या किया है ये यानी सब यानी बहुत यानी। और बीएमजी इंटर कॉलेज में बच्चों से जनरेटर फीस के उसमें भी 2 बार शुल्क लिया जाता है, उसका भी कोई ब्यौरा नहीं है। मैं विष्णु शंकर अग्रवाल। इसकी बीएमजी इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति में क्या पद है आपका? मैं यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की हैसियत से हूँ। अच्छा, आपके कॉलेज की जो अवैतनिक सचिव हैं जी, उनका प्रकरण आया सामने कि वो यहाँ पर टीचर भी हैं और यहाँ पर अवैतनिक सचिव भी हैं, तो क्या वो रह सकती हैं? नहीं, यही एक प्रश्न है, बहुत बड़ा वैधानिक प्रश्न है कि शिक्षिका के रूप में तो वो एक कर्मचारी हैं और अवैतनिक रूप मंत्री के रूप में वो एम्प्लायर हैं, तो एम्प्लायर और एम्प्लाई सेम नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम है उसका एक स्पष्ट प्रोविजन है कि वो किसी भी
शिक्षण संस्था की प्रबंध समिति की पदाधिकारी नहीं हो सकती। और इसका बाकायदा उल्लेख है, जो ये प्रकरण हुआ ये 2 वर्ष पूर्व जब वो यहाँ अवैतनिक मंत्री बनी थी, तो ये तथ्य जिलाधिकारी संबल के माध्यम से शासन के संज्ञान में लाया गया था, उस पर कार्रवाई लंबित थी। तो वो कार्रवाई अब आकर 10 तारीख में उसका आदेश जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक के द्वारा जारी की निर्गत किया गया, उसमें उन्होंने उस अधिनियम के का उल्लेख करते हुए उस नियम का कि वो इस पद पर नहीं रह सकती, इनको इस पद से मुक्त किया। और मैनेजिंग कमेटी में ही जो सदस्य हैं, मैनेजिंग कमेटी को तो नहीं बदला उन्होंने, जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें एक सदस्य हमारे श्री पंकज शर्मा जी हैं, जो 2002 से 2005 तक चेयरमैन भी रहे नगर पालिका की, और उस अवधि में वो उन्होंने कॉलेज के कार्य को भी देखा, यहाँ अवैतनिक मंत्री भी रहे हैं, उनको अनुभव भी है। तो उस आधार पर संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय ने उनको नियुक्त कर दिया, ये है। अच्छा, वो कॉलेज की शिक्षक हैं और नगर पालिका की चेयरमैन भी हैं, क्या कॉलेज आती हैं डेली? देखिए, कॉलेज वो आती तो हैं, लेकिन अपनी हाजिरी लगाकर अब कितना पढ़ाती हैं कितना नहीं पढ़ाती। दरअसल अध्यक्ष का काम जो है डे टू डे वर्किंग देखना नहीं है, हम लोग तो सिर्फ किसी विशिष्ट कारण से या प्रबंध समिति की अगर कोई बैठक होती है तब आते हैं। जितना दिन प्रतिदिन का कार्य है, जो भी प्रबंध समिति का कार्य है उसको करने का दायित्व तो हमेशा अवैतनिक मंत्री का होता है। अब वही हैं, वही इस चीज़ को बेहतर जानती हैं। जैसे ही बताया जा रहा है कि पिछले 50 सालों से जो है चुनाव नहीं हुआ है प्रबंध समिति का कॉलेज की, तो उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे ये बात इससे आप ऐसे समझिए कि हर एक 5 साल बाद यहाँ का अवैतनिक सचिव बदलता है, किस आधार पर बदलता है? यहाँ की प्रबंध समिति का जो गठन है वो इस तरीके का है कि उसका आधा चुनाव होता है नगर पालिका का। अगर वो ये बात कहती हैं तो वो कैसे आई हैं? क्या वो पिछले 50 साल से यहाँ हैं? वो चुनकर ही तो आई हैं। और अगर वो चुनाव और कॉलेज का चुनाव अलग है तो फिर कॉलेज में चुनाव होना चाहिए था, उन्हें ही कराना चाहिए था। अब है दूसरी संस्था, ये संयुक्त है, 2 संस्थाओं के द्वारा ये संचालित कॉलेज है। दूसरी संस्था अपने चुनाव कराती है, वो अपने चुनाव कराकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजती है, ये नगर पालिका के द्वारा आते हैं, ये है। जो बीएमजी कॉलेज में जो ये विवाद चल रहा है अवैतनिक पद को लेकर सचिव का, जो कि आप नगर पालिका की इस समय चेयरमैन हैं, तो अब ये जो बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, पढ़ाई पर असर पड़ेगा, तो इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें तो देखो, मैं ये कहूँगी कि भाई पब्लिक ने, जनता ने चुनाया चेयरमैन को, और इसीलिए मैं शांत हूँ कि भाई देखिए, हमारे कॉलेज में हमारे परिवार की बेटियाँ पढ़ती हैं, और बेटियों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, इस स्कूल में किसी प्रकार का हंगामा, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक कॉलेज चलते रहना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, इस पढ़ाई बाधित के लिए इसी वजह से हम चाहते हैं कि बैठ कर के बात होनी चाहिए या नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। नियमानुसार ये इस तरह से करना बच्चों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा भी पास में है, शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा हो, काम हो, जिसको ज़्यादा आपत्ति है वो लिख करके अपनी दर्ज कराए, बैठ करके बात करें, अभी अधिकारियों को बताएं, नगर पालिका से संपर्क करें, वो नगर पालिका से बात रखें कि ये बात है, उनको रखनी चाहिए अपनी बात। लेकिन पिछले 2 साल से प्रकरण चल रहा था, लेकिन ये एग्जाम के टाइम पे ही ये मुद्दा क्यों उठाया गया? एग्जाम टाइम पे ये तो मैं जो अवैध रूप से बैठे हुए कमेटी, आज शून्य में बताया आपको कि कमेटी है ही नहीं, ये अनावश्यक रूप से कर रहे हैं, इनको भय कहीं ना कहीं भयभीत है, ये भय है इनको कि कहीं ऐसा ना हो कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनकी अपनी दुकानें चल रही हैं सबकी, तो इसलिए वो जाकर हस्तक्षेप करें, उनको नहीं करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हम भी शहर के नागरिक हैं और शहर में बेटियाँ सबकी पढ़ते, सबके परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों की पढ़ाई को हित में ध्यान में रखते हुए तब हमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए। लिखित पर करें, लिखित कार्रवाई की जा सकती है, बैठ के बात की जा सकती है, इतना हंगामा क्या आफत है कि वहाँ चार्ज जाने की आफत आ गई? चार्ज किसी को दे लेने का किसी को अधिकार नहीं है, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी को है, ना किसी और व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को है। नगर पालिका तय करेगी कि वहाँ पे अवैतनिक सचिव के रूप में कौन बैठेगा, नगर पालिका परिवार तय करेगा।